Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसा कि आप सभी पता नहीं है, फिलहाल अभी मैं अपनी बाइक लेकर जा रहा हूँ अपने फरारी वाले शोरूम के लिए, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो कि मैं वहीं पे चल के आपको बताने वाला हूँ. ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी हार्ले डेविडसन लेके फरारी वाली डीलरशिप पे पहुंचने वाला हूँ. और जिस बात को लेकर आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, अब फटाफट से वो मैं आपको बताता हूँ. देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि अपनी ना फरारी वालों से एक बहुत तगड़ी डील हुई है. वो लोग हमें ना अपनी टॉप कार्स फ्री में भिजवाने वाले हैं, और उन्होंने हमें बोला है कि इस डीलरशिप के थ्रू तुम जो भी कार्स बेचोगे उस कार का 30% प्रॉफिट वो लोग हमें देने वाले हैं. तो ये जो डील है हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसमें अपना यार देखो कोई भी लॉस नहीं है. वो सारी की सारी कार्स हमें बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं. तो अभी जल्दी से चलना है और वो सारी की सारी गाड़ी हमें उठा के लानी है. फिलहाल अपनी बाइक को मैंने यहीं पर ना ये नहीं यार यहाँ पर नहीं पार्क कर दे, क्योंकि इस जगह पर ना बहुत सारे कस्टमर्स आते रहते हैं अपनी गाड़ियाँ ले लेके. मुझे भी चल के ना लमार से बात करनी होगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इस शोरूम में जितनी भी कार्स हैं ना वो सारी तुम्हें हटानी पड़ेगी. इस पूरे की पूरी डीलरशिप में सिर्फ और सिर्फ फरारी की कार्स ही आएंगी, और वही कार्स रिपेयर होंगी, उन्हीं कार की सर्विस वगैरह जो भी रहता है. फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ अपने शोरूम के अंदर. ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लमार से बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि बस इन कस्टमर्स को अटेंड कर दे, इनको गाड़ी दिखा दे, उसके बाद ये फोन करके बोल देगा अपने बंदों को ताकि वो जल्दी से जल्दी आकर ये सारी की सारी गाड़ियां ना सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर हर एक ट्रक पे लोड करवा दे. ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हुआ सीधा लेकर पहुंचने वाला हूं जेट सैम टर्मिनल पे, जहां से मुझे सभी फरारी कार्स को पिकअप करना है और उन्हें लेकर जाना है अपने नए वाले शोरूम में. कहां पर है? लेकिन एक बार आप लोग बैक साइड में देखो. ओह वेट, तो इन लोगों ने सारी की सारी गाड़ियां जो है अनलोड करवा के यहाँ खड़ी कर रखी है. शायद मुझे पहले ना चल के इससे बात करनी होगी, फिर अपनी सारी गाड़ियां मुझे अपने शोरूम में लेकर जानी है. हेलो सर. ऑल राइट, तो अभी ना गाइस मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है, और गाइस ये ना सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि फरारी वालों ने अपनी कार्स की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर भिजवाए हैं. और ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी तक की सिक्योरिटी नहीं, बल्कि हमारे साथ हमारे शोरूम पे चलने वाले हैं, और पूरे टाइम दिन रात जाग के उस शोरूम की भी सिक्योरिटी फुलफिल करने वाले हैं. बाकी यार एक बार आप लोग ध्यान से देखो कि ये जो जितनी भी कार्स है ये इन लोगों ने कितने महंगे महंगे ट्रक्स में यहाँ पर भिजवाई है. वैसे एक ही ट्रक है जिसमें कार्स आई है, जो आप बड़ा वाला ट्रक देख पा रहे हो ना, इसी के अंदर शायद 5 से 6 कार्स इन्होंने लोड करवा रखी होगी. कितना ज़्यादा बड़ा ट्रक है, और एक कार इस पीछे वाले ट्रक पे है. बाकी जो 2 ट्रक आप देख पा रहे हो ना, इस ट्रक के अंदर इन लोगों ने कार्स का फ्यूल भिजवाया, पेट्रोल गैस वगैरह जो भी है, ताकि हमें अगर फ्यूल भी गाड़ी में डालना है तो गाड़ी शोरूम से बाहर ना निकालनी पड़े, उसी के अंदर ही अंदर हम लोग फ्यूल भर दे. जब बंदा कोई खरीदेगा कार तभी शोरूम के बाहर जाएगी. भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है. फिलहाल अभी इन्होंने मेरे को बोला है कि जल्दी से आप अपने शोरूम का रास्ता बताओ, हम साथ साथ चलते हैं. फिलहाल अभी सभी लोग अपने ट्रक में जाकर बैठ चुके हैं, ट्रक एकदम मस्त स्टार्ट हो गया है. सर एक काम करना, अपनी गाड़ी को यहीं से घुमा के लाना, पता नहीं ट्रक घूम पाएगा या फिर नहीं. ऑल राइट, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक वहाँ से तो बाहर निकाल के ला चुका हूँ, क्योंकि वो अपना ट्रक वगैरह मोड़ रहे हैं, और उस ट्रक को मोड़ने में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा. इसको देखो भाई अपनी फरारी फुल स्पीड में भगाता हुआ ले आया है. बस ओके गाइस, तो अभी फिलहाल लमार भी आ चुका है. फटाफट से हम लोग अपनी बाइक को यहीं पर खड़े करते हैं, और इसने भी शायद से अपने शोरूम की सारी कार्स को ले जाके पीछे ट्रक्स में लोड करवा दिया है. अब फटाफट से एक काम करते हैं, जितनी भी फरारी वाली कार्स आई हैं ना, ये वाली तो देखो मैंने देख ली थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इस बड़े वाले ट्रक में कौन कौन सी कार्स है ये मुझे अभी की अभी देखनी है. ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल लमार और मैंने मिलकर सारी की सारी फरारी कार्स को इस ट्रेलर में से निकाल के यहाँ पे बाहर खड़ा कर दिया है. और एक बार ही आप लोग ध्यान से देखो कि ये इतनी सारी महंगी महंगी कार्स एक ही फ्रेम में कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है. फटाफट से ना गाइस इसके साथ एक सेल्फी खींच लेते हैं मस्त वाली. ओके कैमरा ऑन हो चुका है, और अभी मैं पहले ना आपको एक एक कार दिखा देता हूँ. तो ये जो आप ग्रीन वाली देख पा रहे हो ये शायद से फरारी 458 है, और ये इसी का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें ऊपर रूफ नहीं है, ओपन है वाली कार, मींस कन्वर्टिबल है. सेम ऐसी ये वाली कार है, और ये है एलए फरारी, और ये है फरारी 812, और जो सबसे पीछे आप देख पा रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है. फिलहाल अभी ना मुझे 5 की 6 कार का एक ही साथ में मस्त एक इमेज चाहिए. लेट्स गो. लास्ट वाली फोटो अच्छी नहीं आई, दूसरी खींचते हैं, इसमें एकदम मस्त तरीके से फ्रेम सेट करेंगे. हाँ अभी ठीक है. ओके तो अभी ये तो हो गया, अब फटाफट से ना गाइज एक मस्त वाली सेल्फी भी ले लेते हैं इन कार्स के
के साथ में। ओके, तो अभी मैंने अपना कैमरा स्विच कर लिया है और काश ये सारी की सारी गाड़ियां एक ही फ्रेम में आ जाए। जस्ट वेट, मुझे थोड़ा सा अपना हाथ आगे करना है और लेट्स गो। सारी गाड़ियां दिख रही है, मुझे कहाँ पे देखना चाहिए? नीचे देखूँ क्या कि लेफ्ट में देखूँ, राइट में? सारे पोज एकदम अजीब लग रहे हैं, एकदम फ्रंट पे दिखते हैं फुल एकदम डेंजरस तरीके से। लेट्स गो, ये काफ़ी सही है, फटाफट से फोटो खींच लेते हैं। ओके, एकदम मस्त फोटो आ चुकी है, सारी गाड़ियां दिख रही हैं, फटाफट से यार इस फोटो को सेव कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल मैंने फोटो भी सेव कर लिया, फटाफट से फोन को जेब में डालते हैं क्योंकि अभी मैं ये सबसे पीछे वाली फरारी ड्राइव करने जा रहा हूँ। बट वेट, उससे पहले ना मैं आपको ये सारी की सारी कार दिखा देता हूँ। ये वाली आप लोग देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, उसी की लेफ्ट साइड में ये वाली है। इस कार का ना कलर प्लस इंटीरियर मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है भाई, अंदर एकदम मस्त रेड एंड वाइट सीट लगी हुई है। बाकी ये है अपनी एल ए फरारी जो कि हमने काफ़ी टाइम पहले चलाई थी, आपने देखा होगा। बट वो कार हमारी शायद से चोरी हो गई थी, बट हाँ जो भी है ये वाली कार ना मैंने आज तक देखी है ना आज तक चलाई।